हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के बारे में। और आज हमारे साथ हैं मनीष, जो कि खुद एक डेटा एनालिस्ट हैं। और मैंने सोचा यार, किसी गेस्ट से हम लोग बात करते हैं जो कि खुद उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, जो हमें एक्चुअली में रोड मैप बता सके कि कैसे पढ़ाई करना है, कहाँ से पढ़ाई करना है, कितना पढ़ाई करना है, जिससे कि जॉब लग पाए। तो आज इस पॉडकास्ट में मैंने बुलाया मनीष को, जो कि खुद एक डेटा एनालिस्ट हैं। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं मनीष का। हाय मनीष, आई होप आप अच्छे होंगे। थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दो, ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग आपके बारे में जान सकें, और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद इस वीडियो को कम्प्लीटली स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम मनीष चौधरी। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्मॉल टाउन कॉल्ड वासदा, विच इज़ इन गुजरात। मैंने अपनी स्कूलिंग भी वासदा टाउन से ही की है, 12th साइंस में। एंड देन आफ्टर आई वेंट फॉर बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन ईयर 2020। सो कॉलेज के लास्ट टर्म में मैंने ऑटोमेशन का एक कोर्स किया था। सो आफ्टर दैट कोर्स एंडेड, आई गॉट अ जॉब इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। सो मैंने वो जॉब फिर 2.5 साल कंटिन्यू की। एंड उसी 2.5 साल के ड्यूरेशन के दरमियान मैंने ये ओडियन स्कूल का कोर्स कंप्लीट किया, एंड आई गॉट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। ओके यार मनीष, आपने जैसा आपने बताया, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई करा था, तो आपको इंटरेस्ट लाइक आपने क्यों सोचा फिर कि मेरे को डेटा एनालिस्ट बनना है या फिर इधर आना है मेरे को? हाँ, एक्चुअली क्या था कि मैं जो जॉब कर रहा था, इट इज़ नॉट अ हाई पेइंग जॉब। एंड मुझे वो वो रोल में ऐसा था कि ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पड़ता था, दूसरे सिटीज़ में जाना, दूसरी स्टेट्स में जाना। सो मुझे वो प्रिफर नहीं करता था एक्चुअली, क्योंकि थक जाता है एक टाइम के बाद। सो मैं करियर स्विच का ही सोच रहा था। मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया कि कौन सी ग्रोइंग फील्ड है, एंड डेटा साइंस में के बारे में मैंने पढ़ा कि ये मतलब इतने साल में इतना ग्रो करे, इतनी जॉब्स है इसमें, एंड कितना पे मिलता है सब। तो मुझे इंटरेस्ट आया थोड़ा, सो मैंने स्विच करने का सोचा डेटा साइंस में। तो यार मैं ना एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ। अभी आपने बोला कि लाइक आपका जो पहला सैलरी था, पहला जॉब था, उसमें पैसे कम मिलते थे, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट था, लाइक ऑटोमेशन में आपका इंटरेस्ट था। तो आपको लगता है क्या कि ऐसे सैलरी भी मैटर करता है किसी जॉब में, लाइक पैसे कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं? एक्चुअली आपका क्या राय है इसके बारे में? मतलब मैटर तो करता ही है एट द एंड। आपको भी मतलब पैसे तो चाहिए थोड़े, मतलब वहाँ पे बहुत कम होता था, आप सोचोगे उससे कम था। सो पैसे एक्चुअली मैटर करते हैं, आपको इंटरेस्ट भी होना तो चाहिए। तो फिर आपको लाइक आपको किसने बोल दिया ऐसा, किसने बोल दिया कि डेटा साइंस में पैसे ज़्यादा है? एक्चुअली किसी ने बताया नहीं था, मैं खुद रिसर्च करता हूँ। मैंने एम्बिशन बॉक्स में दूसरी बहुत सारी साइट्स होती है जहाँ पे कंपनीज की सैलरीज दिखाते हैं, एवरेज इंडिया में कितनी सैलरी मिलती है एज अ डेटा इंजीनियर को, एज अ डेटा एनालिस्ट को। सो वो ऐसे पता चला मुझे। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि लाइक यू नो हम कोई जॉब कर रहे हैं लेकिन उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, कि ऑब्वियसली यार पैसे कम होते हैं तो लाइक फैमिली के भी एक्सपेंसेस हैं, अपने एक्सपेंसेस हैं, और फैमिली बड़ी होती है तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद आपने रिसर्च किया और आपको पता लगा कि लाइक डेटा साइंस लाइक बहुत अच्छा है, इसमें जॉब मिल जाएगा। तो सी डेटा साइंस जब आपने रिसर्च किया होगा तो ऑब्वियसली लाइक आपको पता लगा होगा कि उसमें प्रोग्रामिंग होता है, कोडिंग करना पड़ता है। तो इससे पहले आपका कोई एक्सपीरियंस था क्या कि आपने पहले कोई कोडिंग करा हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हो, तो इससे पहले कोई एक्सपीरियंस था या फिर आपने बस सोच लिया नहीं मेरे को करना है इसको? एक्चुअली कोडिंग में जीरो एक्सपीरियंस था। जो मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी काम करता था तो उसमें हम लैडर लॉजिक यूज करते हैं, विच इज एक्चुअली कोडिंग नहीं बोल सकते उसको, एक प्रोग्रामिंग होती है बट काइंड ऑफ कोडिंग जैसा ही होगा, बट बोल नहीं सकते क्योंकि उसमें कैसा है कि आप सी लैंग्वेज सीखो, पाइथन सीखो, तो उसमें कॉन्सेप्ट रहता है लूप का या वैसा कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो टोटल डिफरेंट है पूरा। सो मतलब तो मेरा बैकग्राउंड तो जीरो कोडिंग का था, बट मैंने ठान लिया था कि मुझे करना ही है। सो मैंने थोड़ा सेल्फ लर्न करना चालू कर दिया था कोर्स ज्वाइन करने से पहले। सो पाइथन में सीखा था, पाइथन मैंने खुद से, एंड देन ऑफ अच्छा मतलब आपने लाइक मतलब रिसर्च के साथ साथ आपने स्टार्ट भी कर दिया कि मेरे को खुद से सीखना है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपने रिसर्च किया होगा कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो यार मतलब खुद से लाइक कोई एक सीएससी से मतलब कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हो या फिर उसकी एजुकेशन वैसी हो तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है। लेकिन आप तो लाइक टोटली डिफरेंट लाइक ऑटोमेशन में थे, आप इलेक्ट्रिकल से आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया था, तो आपको लाइक बहुत कम चीजें पता होंगी ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, बट
आपको कम पता होंगे, लेकिन फिर भी आपने इतना एफर्ट्स वगैरह दिखाया कि खुद से पढ़ने स्टार्ट कर दिया, रिसर्च करने स्टार्ट कर दिया, लेकिन लाइक कितना टाइम तक आपने रिसर्च किया, खुद से पढ़ाई किया, और उसके बाद क्या किया, लाइक कैसे आप आगे बढ़े इसमें? हाँ, मतलब मैंने एक डेढ़ महीना तक तो पाइथन सीखा था एटलीस्ट, एंड हाफ अ मंथ आई गेव टू SQL. सो मैंने मैंने सर्च किया था, तो मुझे इतना पता चलता है कि जो कॉमन जो सब्जेक्ट है जो कि आपको डेटा साइंस के कोई भी फील्ड में चाहिए, वो था पाइथन एंड SQL. तो मैंने पहले वो दोनों टारगेट किया, तो मैंने बेस बेस बना लिया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ एटलीस्ट मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ एंड मैं कर पा रहा हूँ. सो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. हाँ, एंड हाँ, उसके बाद फिर मैंने सर्च करना चालू किया इंस्टीट्यूट्स के बारे में कि कौन सी इंस्टीट्यूट है. तो कैसा रहा आपका सर्च, लाइक हाउ इट गोज, लाइक आपने कहाँ ज्वाइन किया, कैसे पढ़ाई किया फिर? हाँ, मतलब कि कैसा था कि बहुत सारे कोर्सेज देखे थे मैंने, डिफरेंट डिफरेंट, काफ़ी महंगे कोर्सेज भी देखे थे, काफ़ी सस्ते कोर्सेज भी देखे थे. हमें तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या रहता है, कैसे स्टडीज रहेंगी, कैसे वो प्लेसमेंट दिलाएंगे, कुछ भी आइडिया नहीं था. मतलब सो किसी भी इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करना वॉज नॉट इजी. मतलब आप समझ सकते हो कि यस आई एग्री कि इतना पैसा डालना है तो मतलब कैसे किसी पे जल्दी ट्रस्ट कर ले. सो मैं ढूंढ रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, तो मैं अपने दोस्तों से ही बातें कर रहा था. एक्चुअली मैंने अपने सिस्टर से भी बातें की, तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि किसी को कुछ आइडिया है क्या. मतलब तो वहाँ से मेरी सिस्टर का फ्रेंड था प्रणय बेट से, जो कि ओडिन स्कूल से ही था, ओल्ड एलुमनाई था, एंड वो अभी उसको भी एक जॉब लग गई थी गैप जर्मनी में. सो उसने मुझे रेकमेंड किया ओडिन स्कूल के बारे में. सो वहाँ से मैंने ज्वाइन किया. अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि देखो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं, आप जिस सिचुएशन से निकले हो उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं, तो आप मेरे को बताओ आपने पिछली जॉब से रिजाइन दे दिया था, या फिर उसके साथ साथ आप लाइक काम भी कर रहे थे और इधर प्रिपरेशन भी कर रहे थे? ये हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये डाउट होता है, वो लोग मुझसे भी पूछते हैं. तो देखो मेरा तो फील्ड टोटली अलग रहा है, तो सी जो उस चीज को एक्सपीरियंस करा रहता है, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया उस चीज को, तो आप बेटर बता पाओगे. तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, लाइक रिजाइन दे दिया था या फिर नहीं दिया था, कैसे चला था सारा कुछ? मैंने एक्चुअली रिजाइन नहीं किया था, मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अर्न करना बंद कर दूं. मैं चाहता था कि मैं अर्न भी करूंगा एंड लर्न भी करूंगा. सो मैंने हाँ, मेरा मतलब बीच में ही चालू कर दिया था. मैंने मेरे कंपनी में मैंने सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती थी, तो मैंने सैटरडे संडे का ओडिन स्कूल का जो करिकुलम था वो भी सैटरडे संडे बेस्ड था, मतलब वीकेंड्स में ही रहता था. तो थोड़ा पुश करना रहता था, क्योंकि आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हो एंड उसके बाद आपको सैटरडे संडे भी पूरा दिन मतलब पढ़ना पड़ता है, एक्चुअली डेडिकेट करने पड़ते हैं दो दिन. सो हाँ, थोड़ा हार्डवर्क रहता है, बट मैनेज कर पा रहा, मैं मैनेज कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई इश्यू होगा. एक्चुअली अगर वो हार्डवर्किंग है तो डेफिनेटली हो जाएगा. मतलब आपके कहने का मतलब भी यही था कि हमें रिजाइन नहीं देना चाहिए, हमारे पास कोई जॉब है तो करते रहो. बट सैटरडे संडे, क्योंकि देखो ना यार, एक बार जब लाइक आप अर्निंग पर्सन हो अपने फैमिली में और काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आप बेयर कर रहे हो, और एक टाइम पे जब आपकी सैलरी रुक जाती है, जब आप रिजाइन दे देते हो, किसी और जॉब के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी ना, तो फिर आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आप पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप बीच में फंस जाओगे, आपको ऐसा फील होगा यार ना इधर का रहा ना उधर का रहा. तो मैं भी यही मानता हूँ कि रिजाइन मत दो आप लोग, आप लोग साथ में पढ़ाई करो, साथ में टैकल करने का कोशिश करो. तो मनीष, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिन स्कूल के बारे में ही है. मैंने बहुत लाइक स्टूडेंट से बात किया हुआ है ऑडिन स्कूल के बारे में, लेकिन आपने पढ़ाई किया वहाँ से, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, लाइक वहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाया गया जो कि स्पेशली डेटा एनालिस्ट रोल से इंक्लाइंड था, लाइक वो हेल्प करा आपको जॉब पाने में? ठीक है, सो मतलब ओडिन स्कूल में ना बेस से पढ़ाते हैं पूरा, मतलब आप अगर जीरो कोडिंग नॉलेज के साथ भी आए हो तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले से कुछ स्टडी करके आना है या प्रिपेयर करके आना है, वो आपको स्क्रैच से पढ़ाएंगे, पाइथन, SQL, आपको जो विजुअलाइजेशन टूल्स चाहिए पावर BI, टेबल्यू, फिर आपको अगर पाइथन की लाइब्रेरीज भी सीखनी है जैसे कि NumPy, Matplotlib, तो सारी लाइब्रेरीज जो रिक्वायर्ड है डेटा एनालिस्ट के लिए वो भी आपको सिखाएंगे ओडिन स्कूल में. सो हाँ, वो एक अच्छा हेल्पफुल था वो चीज़. एंड करिकुलम में कैसे, इसके अलावा आपको क्या लगता है जो मतलब मैं बहुत मतलब एक जनरल एक स्टूडेंट जैसे ही बात कर रहा हूँ आपसे, ताकि लाइक आप मतलब नेचुरल होके सारी चीज़ें बता पाओ. तो आप मुझे बताओ ना, जैसे ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं,
लाइक आपने पाइथन सीख लिया, एसक्यूएल सीख लिया, लाइब्रेरी जो मैटप्लोटलिब है, पांडास है, नंपाई है, ये सीख लिया, ये सारी चीजें आप बाहर भी सीख सकते थे, ठीक है। लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आपको चीजें मिल जाएंगी। ऑर्डिनरी स्कूल ने आपको क्या ऐसा प्रोवाइड किया जो कि आप मानते हो कि अगर ऑर्डिनरी स्कूल में ज्वाइन नहीं किया होता तो शायद आपको जॉब नहीं मिल पाता, ये हम जानना चाह रहे हैं। मतलब ऑर्डिनरी स्कूल आपको एक रोड मैप तैयार करके देगा जो आप बाहर से अगर आप कहीं खुद से करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप भटक जाओगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, इंडस्ट्री में अभी कौन सी टेक्नोलॉजी डिमांड पे है, इस रोल के लिए कौन सी डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी वही पढ़नी है। सो वो आपको आइडिया नहीं रहेगा। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उसके बारे में। नहीं तो आप तो इलेक्ट्रिकल से थे यार, तो आपके लिए तो मुश्किल ही था। हाँ, तो मतलब आप अगर टोटली ब्लाइंड हो इस बारे में तो आपको मतलब किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए मतलब। एंड ऑडियो स्कूल ने वो प्रोवाइड कराया था मुझे कि ये टेक्नोलॉजी रिलेवेंट है आपके लिए, सो ये इस पर आपको फोकस करना चाहिए। और प्लेसमेंट्स का क्या सीन था, लाइक कैसे उन्होंने हेल्प किया आपको जॉब वगैरह पाने में? प्लेसमेंट में ऐसा है कि ओडिन स्कूल ना हर दो हफ्ते में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव रखती थी, तो जिसमें डिफरेंट कंपनीज पार्ट लेती थी, एंड वो रिक्रूटमेंट ड्राइव में हमें एग्जाम्स देनी रहती थी कुछ, तो हमें हमारा क्या हमारे लिए उसमें क्या अच्छा था कि आप एग्जाम देते जाओगे हफ्ते दर हफ्ते तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप कुछ भी लैग नहीं करोगे। हाँ, एक बार अगर कोर्स खत्म हो गया उसके बाद भी आपको अपनी स्टडीज तो कंटिन्यूस रखनी है, अगर आप वो छोड़ दोगे तो थोड़ा फिर भूलने लगोगे, कोई मतलब नहीं कोई मतलब भी नहीं है। तो उसके लिए टेस्ट और थोड़ा स्टडीज करना भी जरूरी था, तो वो टेस्ट ये हेल्प करता था। एंड कंपनीज पार्ट लेती थी, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो डेफिनेटली कंपनी आपकी प्रोफाइल शॉर्ट करेगी। सो कुछ कंपनी में इंटरव्यू होते थे तो थोड़ा बूस्ट रहता था, कॉन्फिडेंस बना रहता था, टेस्ट भी अच्छी जाती थी, तो प्लेसमेंट सर्विस में अच्छे ये मतलब ये काफी अच्छा है, आपने सही बोला। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाइक बहुत पहले जॉब मिल जाए या फिर कोई सर्टेन नहीं है, मतलब आपको प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा। और यू नो कभी एक सेकंड यू नो कभी कभी आपको रिजेक्शंस भी मिलेंगे, तो ये सही है, लाइक प्रैक्टिस करते रहो करते रहो तभी जाके आपको जॉब भी मिलेगा इवेंचुअली। यार मेरा ना एक बहुत ऐसे फनी सा क्वेश्चन है कि लाइक आपको जब जॉब मिली डेटा एनालिस्ट की तो उसकी सैलरी कैसी थी पिछले के कंपेरिजन में? क्योंकि सी इवेंचुअली आपका क्या था कि आपको सैलरी कम मिल रही थी, आप सारे एक्सपेंसेस ठीक से नहीं उठा पा रहे, तो आपने जॉब स्विच किया कि इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ के भी चांसेस हैं, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो अभी जो आपको सैलरी मिलती है थोड़ा बहुत हमें आइडिया दे दो, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये सीक्रेट रखना पड़ता है, तो मतलब थोड़ा बहुत आइडिया दे दो कि कैसी है सैलरी और अभी क्या सेटिस्फाइड हो उससे या फिर नहीं। मतलब जो मुझे पिछली कंपनी में जितनी सैलरी मिल रही थी उससे आप समझ लो 100% हाइक मिल गया, 100% से अबव। अच्छा, सो मतलब दो गुना से ज्यादा। सो सही है, वो भी एज अ फ्रेशर के लिए, सो काफी अच्छी बात है वो। और कितना टाइम लगा इसमें, लाइक कितना टाइम लगा, एक साल या फिर कितने महीने कितने लगे आपको? मतलब कोर्स कंप्लीट कर दे एंड प्लेसमेंट लगते हुए एक साल हो गया था। मतलब एक साल में आपने मतलब और टोटली लाइक आप इलेक्ट्रिकल से थे और सब कुछ नया था आपके लिए, और आपने जॉब भी पाया आपने, और मतलब दोगुना आपकी सैलरी भी हो गई, तो ये तो लाइक सी मैं तो लाइक ये वन नाइट यू नो सक्सेस नहीं है, ये आपका पूरा एक प्रोसेस है, लाइक एक साल की मेहनत है, लेकिन फिर भी यू डिड वेरी वेल, लाइक इतना डिसेंट इंडस्ट्री में इतनी डिसेंट सैलरी लाइक पाना। अब थोड़ा बहुत आइडिया भी दे दो सैलरी का अगर दे पाओ तो। अच्छा, कोई बात नहीं, एक्चुअली 5 LPA से अबव है। चलो ग्रेट, 5 LPA से अबव अगर फ्रेशर्स की बात करें, मैं सबसे यही कहता हूँ, देखो आपको 5 LPA से अबव मिल रही है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, मतलब आप सोचो ही नहीं, आप जॉब ले लो, क्योंकि अगर आपके पास एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस आ गया ना, फिर आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मतलब अभी आपको दिख रहा है 5 लाख या 6 लाख, लेकिन जब ना आप स्विच करोगे 2 साल बाद तो यही 15 के आसपास पहुंच जाता है, बहुत आसानी से पहुंच जाता है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा, आप लगे रहो, बहुत अच्छे से काम करो, मेहनत से काम करो, अभी बहुत आगे जाना है। मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ, अभी आपका 5 है तो पहले बहुत कम होगा, और ये सही मैं ये कह रहा हूँ कि उतने में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर हम बात करें आज के इन्फ्लेशन के बारे में, इतनी महंगाई है, तो बहुत ही राइट डिसीजन था आपका।
और यार आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे भी लाइक और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ उनके पर्सनल लाइफ में कैसा रहा कैसे नहीं रहा, मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन तक लाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग सेम प्रॉब्लम में हैं। तो यार एट द लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ सजेशन दे पाओ, कुछ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ बता पाओ कि कैसे उनको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अगर डेटा साइंस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं। डेफिनेटली कोई भी मतलब किसी भी स्ट्रीम से आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब कंप्यूटर साइंस ही करना है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो तो ही आप आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड कॉन्फिडेंस रखना है हमेशा, हार्डवर्क तो है ही, हार्डवर्क इज़ द की, वो तो है ही। एंड सेल्फ लर्न करो, मतलब ओडियन स्कूल तो आपको सिखाएगा या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगी, बट खुद से भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा आउटसाइड देखो, दूसरे कोर्सेज भी देखो, मतलब यूडेमी है या एक्स्ट्रा कुछ भी लर्न करो, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट रखो अपने आप में, तो वो रेज्यूमे भी अच्छा लगेगा एंड आपको पर्सनल, आपकी पर्सनल भी मतलब स्किल स्ट्रेंथ होगी थोड़ी। सही कह रहा हूँ। तो यार मैं ना ऑडियन स्कूल का जो डेटा साइंस बूट कैंप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बूट कैंप है। लाइक अगर आप डेटा साइंस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो, आपको डेटा इंजीनियर बनना हो, डेटा एनालिस्ट बनना हो या फिर डेटा साइंटिस्ट बनना हो, जो कि बहुत सारे लोग बनना चाह रहे हैं, तो उसको आप लोग चेक कर सकते हो। और मतलब उनका कोर्स करिकुलम सबसे पहले आप लोग देखना, बहुत डिसेंट उन्होंने बिल्ड किया है, सब चीज़ वो लोग पढ़ाते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक पूरा पैकेज है जो कि आपको डेटा साइंटिस्ट भी बना सकता है, इंजीनियर भी बना सकता है, एनालिस्ट भी बना सकता है, तो उसको चेक कर लेना। अगर आपको पसंद आता है तो कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो मनीष थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम दिया और हमारे जो भी कम्युनिटी के मेम्बर्स हैं उनको समझाया कैसे वो लोग खुद को लाइक इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मनीष से बात किया रिगार्डिंग डेटा एनालिस्ट जॉब रोल। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।